अगर आप चेक कर देते हैं तो दो नंबर आपको निश्चित तौर पर मैच में क्या मिल जाएगा। और इसलिए सतर्क रहना है, यानी कि निश्चित तौर पे आपको दो नंबर आपका अधिक मिल जाए। और आइए 100 आपका देखा जाए। आपका उच्चतम न्यायालय में अपील चल रहा था, उच्चतम न्यायालय में फिर एक बार आपका शुरुआत किया जाए। पहला बताया गया था अपील में कि जो उच्चतम न्यायालय में अपील हो सकती है, अगर संविधान का निर्वचन का प्रश्न है तो अनुच्छेद 132, सिविल मामला है तो 137, और क्रिमिनल मामला भी बताया जा रहा था। अगर मामला क्रिमिनल है, आपराधिक है, तो इसके लिए आपका संविधान के अनुच्छेद 134 में प्रावधान किया गया। 134 में आपका दो का तीन आपका वन का बताया गया था, पूरा हो जाए तब से आप इशू का प्रश्न। बैरेट भाई निकाल देखिए, बैरेट क्या बताता है आपका। पहला हमने बताया था कि उच्चतम न्यायालय में कब अपील हो सकती है, जब उच्च न्यायालय में अपील में किसी अभियुक्त की दोष मुक्ति यानी कि एक्विटल को से वेबसाइट करके और उसे कौन सी सजा दी हो, मृत्युदंड। दूसरा हमने बताया था कि उच्च न्यायालय ने अपने पास सवार एक कोर्ट से मामला मंगाया और स्वयं ट्रायल किया और स्वयं ट्रायल करके कौन सा दंड दे दिया, आपका मृत्युदंड, तब कहाँ अपील हो सकती है, सुप्रीम। और तीसरा आपका देखिए, इन दो मामलों में हाई कोर्ट चाहे प्रमाण पत्र दे या न दे, यानी टेक्निकल क्वेश्चन है। इन दो मामलों में हाई कोर्ट के प्रमाण पत्र के बिना भी अपील सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है। सी ए बताता है कि कोई अन्य मामला जिसमें कि हाई कोर्ट ये प्रमाण पत्र दे दे अनुच्छेद 134A के तहत, तो उस क्रिमिनल मामले में भी अपील सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है। यानी कि आपका तीसरा जो पॉइंट है वह किसके लिए है, प्रमाण पत्र के लिए, जिसमें कि कोई दंड नहीं दिया गया है। कब दंड, कब हाई कोर्ट प्रमाण पत्र दे, इसका कहीं उल्लेख नहीं, दंड की मात्रा नहीं दी गई। खंड दो देखिए भाई, आपका कह सकते हैं कि खंड दो देखिए, सांसद भी द्वारा उच्चतम न्यायालय को भारत के राज्य क्षेत्र में किसी उच्च न्यायालय की दाखिल कार्यवाही में दिए गए किसी निर्णय, अंतिम आदेश या दंडादेश की अपील ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए जो ऐसी विधि में निर्दिष्ट की ग्रहण करने और सुनने की अतिरिक्त शक्ति दे सकती है। तो थोड़ा इसको आपको और अच्छे से पढ़ना है। देखिए संविधान में जो प्रावधान है वह प्रावधान तो आपका है ही, इसके अलावा जो आपको देखना है क्लॉज 2 भी काफी महत्वपूर्ण है। क्लॉज 2 ये बताता है कि संविधान के अलावा अन्य किसी कानून और संविधान के अलावा भी संसद, भाई राज्य नहीं, कौन संसद, ये भी सतर्क रहना है कि कौन पावर दे सकता है, राज्य कानून बनाकर नहीं केवल कौन, यही छोटी छोटी बातें आजकल पूछी जा रही है। झारखंड में तो इसी पर संसद लिखा है कि संघ लिखा है कि भारत की सरकार, तो जो वर्ड बेयर एक्ट में यूज किए गए वही वर्ड पहली वरीयता आप मारे बता दें। तो लिखा गया संसद कानून बनाकर क्रिमिनल मामलों में सुप्रीम कोर्ट में अपील का प्रावधान कर सकती है। तो क्या संसद ने कोई कानून बनाकर और सुप्रीम कोर्ट में अपील का प्रावधान किया है, और वही आपका जानना है। तो पहला कानून आपका हम सीआरपीसी पढ़ेंगे, जहाँ की संसद ने द कोर्ट ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 पास करके
और सुप्रीम कोर्ट में कुछ मामलों में अपील का प्रावधान किया है। और एक और कानून है, सुप्रीम कोर्ट में अपील के प्रावधान के लिए अलग से संसद ने क्या बनाया है कानून। यानी कि कुल मिलाकर जब भी आप अनुच्छेद 134 को पढ़ेंगे, कम से कम एक बार कम कितने कानून पढ़ने हैं, तो एक बार हम सीआरपीसी उठाते हैं तो सीआरपीसी देखिए, दंड प्रक्रिया संहिता यानी कि द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में कुछ ऐसे प्रावधान दिए गए हैं जहाँ की अपील उच्चतम न्यायालय में हो सकती है। अब कौन कौन सी धाराएं हैं जहाँ की अपील उच्चतम न्यायालय में हो सकती है, अब उन्हीं धाराओं को खोज कर आपको लिखना, अलग से लिख दीजिए भाई, देखिए हम भी थोड़ा भूल रहे हैं भाई, देखना पड़ेगा हमें। उच्च न्यायालय ट्रायल कर सकता है, तो इसे
अंतिम आयोग के लिए मैं आया था, सीआरपीसी की वह धारा कल भी बताई गई थी, फिर एक बार बताई जा रही। सीआरपीसी की धारा 474 ये बताती है कि उच्च न्यायालय द्वारा विचारण किया जा सकता है, और अगर किया जाता है तो उच्च न्यायालय विचारण में वह प्रक्रिया अपनाएगा जो जिले का कोर्ट ऑफ सेशन यानी कि सत्र न्यायालय अपना। ये याद रखे, पूछा जा चुका है। हाई कोर्ट कितना दंड दे सकता है, तो आपका सीआरपीसी की धारा 28 बताती है कि उच्च न्यायालय विद द्वारा विहित यानी कि ला द्वारा प्रेस्क्राइब कोई भी दंडादेश दे सकता है, दंड भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा पुष्टि की आवश्यकता। इसका मतलब ये हुआ कि पहली बार करना हाई कोर्ट में ही चला, विचारण भी हाई कोर्ट में ही चला, और हाई कोर्ट ने अभियुक्त को दोष सिद्ध कर दिया, कन्विक्ट कर दिया, तो अभियुक्त इसके खिलाफ कहाँ अपील कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट। चाहे 2 दिन का दंड दिया गया हो या 4 दिन का, उससे मतलब नहीं, यहाँ दंड की मात्रा से कोई मतलब नहीं। अब बस ये है कि हाई कोर्ट ने स्वयं क्या किया उस मामले का स्थान। दूसरा देखिए 379, धारा 379 भी महत्वपूर्ण है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। धारा 379 भी कुछ ऐसे प्रावधानों का उल्लेख करती है जहाँ की उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। दो धारा कितनी पड़ेगी देखिए इसको, 379 क्या करती है, कुछ मामलों में उच्च न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध किए जाने के विरुद्ध अपील। देखिए सब यदि उच्च न्यायालय में अभियुक्त व्यक्ति की दोष मुक्ति के आदेश की अपील में उलट दिया और उसे दोष सिद्ध किया है तथा उसे मृत्युदंड या आजीवन कारावास या 10 वर्ष या उससे अधिक का कारावास दिया हो, तो अभियुक्त सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। अब पूरा संविधान से जोड़िए, संविधान में ये था कि दोष मुक्ति के विरुद्ध संविधान के अनुच्छेद 124 को पहले कवर करें, तब सीआरपीसी देखिए व्यापक है सीआरपीसी। अगर अभियुक्त को निचले न्यायालय ने दोष मुक्त या एक्विटल कर दिया और हाई कोर्ट ने अपील में दोष मुक्ति को उलट दिया से डिसाइड किया और मृत्युदंड दिया, तो हमारा अनुच्छेद 134 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट में अपील हो सकती है। ये संविधान है, सीआरपीसी में थोड़ा व्यापक याद रखिए, सीआरपीसी थोड़ा विस्तृत इसको करती है। और अब सीआरपीसी की धारा 379 पर आई, अगर निचले न्यायालय ने अभियुक्त को बाइज्जत बरी कर दिया था यानी कि दोष मुक्त कर दिया यानी कि आपका एक्विटल कर दिया और उच्च न्यायालय में अपील होती है, उच्च न्यायालय दोष मुक्ति के आदेश को उलट देता है और अभियुक्त को या तो मृत्युदंड देता है या आजीवन कारावास, या अगर कारावास देता है तो 10 वर्ष या उससे अधिक का कारावास। तो सीआरपीसी हमारी कहती है 379 या ऐसी दशा में अभियुक्त कहाँ अपील कर सकता है, उच्चतम न्यायालय। तो बताइए व्यापक कौन है, संविधान की सीआरपीसी भाई कौन व्यापक अभियुक्त को राहत देती है, या व्यापक कौन है सीआरपीसी भाई, व्यापक कौन हो गए? क्योंकि संविधान के तहत अगर जाएंगे तो केवल कब जाएंगे, जब हाई कोर्ट ने कौन सा दंड दिया हो देख सकते, और सीआरपीसी में 3 दंड दिया जा रहा है, या तो हाई कोर्ट ने क्या दिया हो मृत्युदंड, या क्या दिया हो आजीवन कारावास, या 10 वर्ष या 10 वर्ष से का अधिक का कारावास। तो आजकल ऐसा भी क्वेश्चन बनता है, जैसे कि आपका एक और मॉडल बता दीजिए, अनुच्छेद 20(2)
और सीआरपीसी की धारा 300 में किसका क्षेत्र व्यापक, यानी कि कौन एरो है और कौन वाइल्ड, ऐसा क्वेश्चन बन रहा है। तो अनुच्छेद नैरो है और सीआरपीसी की धारा 300 वाइल्ड प्रावधान कर, फिर उसी तर्क पर अनुच्छेद 134 नैरो है, सीमित धारा है और सीआरपीसी की धारा आपका 379 का धारा पूरा क्या है, तो ये गलत ना हो ये सब। देखिए संसद ने एक और कानून बनाया है, वो कानून का थोड़ा अध्ययन कर लेते तो हम कल बताएं, अभी पूरी तरह अध्ययन नहीं कर पाया। उस कानून में भी कुछ ऐसे प्रावधान, अलग से कानून बनाए जहाँ की हाईकोर्ट के बाद क्रिमिनल मामलों में कहाँ अपील की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट, कल हम बताएंगे। तो आप भी देख लें भाई कानून विस्तृत तौर पर शॉर्टकट में नहीं चल रहे हैं। अब आइए अनुच्छेद 134 के बाद 134 उच्च न्यायालय द्वारा प्रमाण पत्र का दिया जाना, बस एक लाइन बनता है कि अनुच्छेद 134 से किसका पूरक अनुच्छेद है, इसके लिए कौन कौन से अनुच्छेद के तहत प्रमाण पत्र 132 133 134 उपायुक्त सभी। भाई 134 में भी कहा गया है, 132 में भी, 143 में भी, तो आपका ऊपर सभी मार देना है, क्वेश्चन कम बनता है। इसके बाद आ जाइए 100 आपका 34 ए के बाद 105 आर्टिकल 136 अलग बताया जाएगा, कुछ अनुच्छेद निकाला जाए आपका अनुच्छेद आपका कर सकते हैं कि 135 आए, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनता है आपका अनुच्छेद 135 देखिए 135 क्या बताता है। विद्यमान विधि के अधीन फेडरल न्यायालय की अधिकारिता और शक्तियों का उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रयुक्त हो, ठीक है शब्द को पकड़िए, लोग इसको पढ़ते नहीं। पहला विद्यमान विधि का मतलब क्या हुआ ये जानना, दूसरा फेडरल कोर्ट का मतलब हुआ क्या हुआ ये जानना है, और तीसरा फेडरल कोर्ट को जो शक्ति और अधिकारिता थी वह उसका क्या हुआ। देखिए अगर सब पर ध्यान दीजिए भाई आपका पहले हेडिंग पर ध्यान दीजिए, विद्यमान विधि इंटरव्यू में भी पूछा जा चुका है, इसको अलग से लिख दीजिए, मैं अलग से लिखते नहीं हूँ, दो ही लाइन बोलते हैं। विद्यमान विधि यानी कि ला इन फोर्स, इंग्लिश वर्जन भी लिख लीजिए ला इन फोर्स, विद्यमान विधि यानी कि ला इन फोर्स किसे कहा जाए, बस और विद्यमान विधि को कहाँ परिभाषित किया गया है इसको एक जगह पहले एकत्र करिए, लिखिए संविधान के अनुच्छेद 366 के क्लॉज 10 में, संविधान के अनुच्छेद 366 फोर्थ में 10 लिखिएगा, मैं अलग से लिखिए संविधान के अनुच्छेद 366 के क्लॉज 10 में ला इन फोर्स को डिफाइन किया गया है, यानी ला इन फोर्स को परिभाषित किया गया है विद्यमान विधि, विद्यमान विधि को परिभाषित किया गया है पहला क्वेश्चन। दूसरा आपका बनता है कि विद्यमान विधि को और कहाँ बताया गया है, तो उसका लिखे अनुच्छेद 13(3) बी, ऐसे लिखे लिखे होगा भाई भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13(3) बी, यानी कि अनुच्छेद 13(3) बी में ला इन फोर्स को बताया गया है, इंटरव्यू में आ चुका है क्वेश्चन ला इन फोर्स को बताया गया, बताया गया। अब ये क्वेश्चन आया कि आप लिख लेना अनुच्छेद 13(3) बी,
अच्छे से इसको तैयार किया इंटरव्यू का भी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये आया किला इनपुट का मतलब क्या है। तो जो कानून 26 जनवरी 1950 के पहले अर्थात हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के पहले भारत में लागू थे और उन्हें समाप्त या निर्सित या रिपील नहीं किया गया है उन्हीं को ला इनफोर्स कहा जाता है। शॉर्टकट में बता सकते हैं कि कब से पहले के कानून ला इनफोर्स माने जाएंगे, वे डेट लिख लीजिए 26 जनवरी 1950 के पहले, उसको लिख लीजिए। तो 26 जनवरी 1950 के पहले के कानून ला इनफोर्स माने जाएंगे, सभी कानून नहीं जो वर्तमान में है समाप्त कर दिए गए वो नहीं, ये नहीं कि समाप्त हो गया तो समाप्त हो गया, एक ना लिख के आगे बढ़ा लो भाई। अब ये आया कि विद्यमान विद्या, फिर एक बार याद रखिएगा भाई, अगर कोई कानून ध्यान समझिएगा, एक उदाहरण ले लें आपका CPC का ही लेते हैं, CPC कैसा ला है तो 1908 में बना और वही आज भी हम पढ़ रहे हैं, वो सबसे अच्छा उदाहरण है ला इनफोर्स। भाई CPC कैसा कानून है, ला इनफोर्स है। तो अब ये आ रहा कि जो उस समय यानी कि CPC इत्यादि नाम के पर जो उस समय कुछ हमारे उच्चतम न्यायालय के पहले भारत में संघीय न्यायालय या फेडरल कोर्ट उच्चतम न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 को, ये डेट याद रखिए। फिर एक बार मैं बता दूँ, टीचर इतना क्वेश्चन निकालिए कई बार उत्तराखंड में दो बार रिपीट किया, मत सकता बिहार में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब की गई तो 28 जनवरी 1950 ये नंबर दीजिएगा 26 जनवरी। 26 जनवरी को संविधान लागू हुआ लेकिन उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट कब स्थापित किया गया, एब्लिश कब किया गया, तभी नंबर दीजिएगा 28 जनवरी 1900। आगे बढ़ा जाए अब ये समस्या है कि 28 जनवरी 1950 के पहले आपका फेडरल कोर्ट भारत में था संघीय न्यायालय और संघीय न्यायालय के स्थान पर अब हमने अपना कौन सा न्यायालय स्थापित कर लिया, सुप्रीम कोर्ट। तो जो संघीय न्यायालय को शक्ति थी अधिकारिता की वह ट्रांसफर हो जाएगी किसको, भारत के उच्चतम न्यायालय, इसको कहते हैं अंतरिम अधिकारिता, यानी कि जो जुरिडिक्शन क्या हो गया है कानून, इसका मतलब कि जितने उपद में फेडरल कोर्ट में चल रहे थे ये सारे उपद में अब कौन ग्रहण कर लेगा, सुप्रीम जो अधिकारिता और जो शक्ति फेडरल कोर्ट को थी वह सब कौन हमारा ग्रहण कर लेगा फेडरल कोर्ट की जगह, सुप्रीम कोर्ट, और जो दंड देने की क्षमता फेडरल कोर्ट की थी वो कहाँ आ जाएगी, सुप्रीम कोर्ट को। और इसका मतलब ये लाइन हुआ कि हमारा सुप्रीम कोर्ट इस मैंने अंतरिम अधिकार में पूछ सकता भाई कि उच्चतम न्यायालय की अंतरिम अधिकारिता कहाँ दी गई, नया बिल्कुल क्वेश्चन है भाई, कुछ नए क्वेश्चन हम निकाले जाए ऐसे नहीं काम चलेगा। उच्चतम न्यायालय की अंतरिम अधिकारिता, तो अंतरिम अधिकारिता 135 में, बस ये बताइएगा कौन सा अनुच्छेद 135। अगला क्वेश्चन आइए, फेडरल कोर्ट हो गया अंतरिम अधिकारिता अनुच्छेद 135, बस ये बात है। फिर अगला कॉन्सेप्ट है यदि समाप्त नहीं हुआ 105 बड़े छोटा दो तीन अभी और कॉन्सेप्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय किसका उत्तराधिकारी है, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो उच्चतम न्यायालय फेडरल कोर्ट का उत्तराधिकारी है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि उच्चतम न्यायालय किसका उत्तराधिकारी है।
को क्या आप मारेंगे? स्वर्गीय न्यायालय या फेडरल को? एक और क्वेश्चन आपने देख लिया जाए, अब आइए व्यापक में देखा। उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट किसका उत्तराधिकारी है? या सुप्रीम कोर्ट किन किन न्यायालयों की शक्तियों का वर्तमान में प्रयोग करता है? या किसका उत्तराधिकारी अब हो गया? अब थोड़ा और चेंज किया जाएगा। फेडरल कोर्ट, प्रिवी काउंसिल, दोनों इनमें से कोई नहीं तो दोनों बांटना। कि जो अभी हमारी कहाँ जाती थी, इंग्लैंड के प्रिवी काउंसिल, अब सर्वोच्च अपीली अदालत कौन हो गई हमारी? जब भी आप संविधान का अनुच्छेद 137 पढ़िए, इसके साथ कौन कौन सा आर्टिकल और सेक्शन पढ़ने पहले दिमाग में ये बात में कर करिए। इसके साथ आप अनुच्छेद 13 पढ़ें, यानी कि संविधान का अनुच्छेद। कई लोग को अभी भी अंतर नहीं बता पाए, पूछ लिया जाए क्या लेकिन पहले बताया भाई, इसलिए तो आप आए हो क्या, तो घर में नहीं पढ़ रहे थे, इसीलिए आए हैं कि हमें कई छोटी छोटी बातों को यहाँ को लेट करके बताएं। अनुच्छेद 137 जब भी पढ़िएगा, अनुच्छेद 13 पढ़िएगा, इसी के साथ सीआरपीसी की धारा पढ़िएगा, सीआरपीसी की धारा 362 पढ़िएगा, सीआरपीसी की कौन सी धारा 362 पढ़िएगा, इसी के साथ सीआरपीसी की धारा 482 पढ़िएगा। देखिए काम का फेल हो रहा है, कौन सी धारा सीआरपीसी की 482 482 और सीपीसी में जो पढ़ना है वह तीन एंगल से पढ़ना है। सीपीसी में जो पढ़ना है धारा सीपीसी धारा 114 पढ़ना है, 152 पढ़ना है और आदेश 20 का आदेश 20 का रूल 3 पढ़ना है। और एक आदेश 47 रिव्यू रिवीजन, ठीक है। देखिए निर्देश रिव्यू रिवीजन, देखिए आपका, देखिए इतना हर हाल में पढ़ना, पहले हम अनुच्छेद 137 बताते हैं और उसके बाद 13 और पहले तब कैसे ये सब धाराएं इससे कोलेट हो रही है उसको समझाना है। कम से कम इतना तैयार रखिए, ये नहीं कि शॉर्टकट में नहीं अब काम चलेगा। ये संविधान है, यूपी जे में भी आपका 75-70 नंबर काम करे, मैं बता दूँ ये सब ला मिलाकर कम से कम यूपी जे में 75 नंबर काम करेगा और बिहार जे में भी जीएस और आपका लाभ मिलाकर आपका अच्छा काम करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए प्रयास ये करिए, ठीक है। संविधान को आप घर पर भी पढ़ेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ इसीलिए आए हैं कि कुछ जो टेक्निकल वर्ड है या टेक्निकल बातें हैं हम समझा सकते, अन्यथा आप घर पर भी डीआरएड पढ़ सकते हैं, बस ये काम नहीं कर सकते कौन से कहाँ से लिंक करके पढ़ा जाए। और आजकल यही पूछा जा रहा है और जब तक के लिंक करके नहीं पढ़ेंगे तब तक संभव नहीं। अब इंटरव्यू में देखिए
अनुच्छेद 137 और 13 में ध्यान से समझिए क्या है। अनुच्छेद 13 में जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू का मतलब हुआ न्यायिक पुनर्विलोकन या न्यायिक समीक्षा। सबसे पहले न्यायिक समीक्षा देखिए तब आपका आगे बताया जाए। जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या होता है, टीसीएस में भी क्वेश्चन अनुच्छेद 13 में बताना है, टीसीएस में भी क्वेश्चन आया कि अनुच्छेद 13 का आधार क्या है। अब तो टीसीएस में भी 3-4 क्वेश्चन ऐसा है जो अमेरिका से कॉल लेट करके पूछे गए और पूछा यह गया था कि भारत में और अमेरिका में कॉल लेट करके जुडिशियल रिव्यू का दायरा कहाँ सीमित है और कहाँ व्यापक है। तो अमेरिका में व्यापक है और भारत में क्या है सीमित, आगे बताया जाएगा। आइए जुडिशियल रिव्यू भाई नए लोग समझें क्योंकि आपका आसान नहीं है बताना। न्यायालयों की वह शक्ति जिसके तहत न्यायालय किसी प्राधिकारी द्वारा बनाई गई विधि को अनकॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि असंवैधानिक या इलीगल यानी कि अवैध या नल एंड वॉयड यानी कि अकृत तथा शून्य घोषित करते हैं, इसी को जुडिशियल रिव्यू कहा जाता है। जैसे कि योगी जी पर आदेश जो तरोताजा उदाहरण है कल का ही, योगी जी की कैबिनेट ने एक प्रस्ताव पास किया मैंने अंतर्धार्मिक जो अंतर्धार्मिक विवाह है उस पर, और उसमें उन्होंने कुछ प्रावधान किए यहाँ संपत्ति जे भी कहीं हो करिए और उसके लिए सजा का प्रावधान भी प्रस्ताव हुआ है कैबिनेट में, फिर आपका विधेयक बनेगा। हो सकता है आगे इसी पहले जारी करा दें योगी जी क्योंकि राम सार सन्यासी का क्या भरोसा है, कोई तो देखिए ऑनलाइन हो गया है उदाहरण देना तो बंद हो गया। समस्या हमारे पास में भाई आपका रिकॉर्डेड वीडियो जाता है और उदाहरण देना भी हमने बंद कर दिया है, तो बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण में देता कोई भरोसा नहीं आगे ना भी पीछे पढ़ा बहुत देखने वाला कुछ भी कर सकते हैं ऐसे लोग बहुत ही बार बार कह रहे हैं कि हम अपने देश के लिए जी रहे हैं, हम अपने परिवार के लिए थोड़े जी रहे हैं, परिवार के लिए जीना होता तो पत्नी को थोड़े त्याग कर है ना, बार बार जनता कर रहे हैं और बिहार के लोगों को चुना ली बाप भी दे दिए कि कोरोना वैक्सीन आएगी तो पहले आपको ही क्या किया जाएगा भैया, कल पलट गए अब यही चीज आपके लग नहीं सकता है कहे कि कोरोना पर पार्टी आपको आप कल ना कदम देखिए तो अलग बात है लेकिन फिर एक बार देखिए। अगर किसी प्राधिकारी ने अथॉरिटी अथॉरिटी का मतलब यहाँ बहुत व्यापक है अर्थात इसका मतलब कि राज्य कोई कानून बनाया या कानून का बहुत व्यापक मतलब है संसद द्वारा कानून बनाना, आप क्या कह सकते हैं कि राजपत द्वारा अध्यादेश राज्यपाल द्वारा अध्यादेश कार्यकाल की आदेश कोई नियम उपनियम विधि आपका प्रथा जिससे हम अपने बहुत व्यापक और वो हमारे मूल अधिकारों का हनन करता है तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को भारत में आर्टिकल 226 और 32 के तहत यह पावर है कि वह उस कानून को असंवैधानिक या अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित करे। इसी शक्ति को जुडिशियल रिव्यू कहते हैं और ये शक्ति इसलिए न्यायालयों को दी जाती है ताकि विधायिका और कार्यकारिता के मनमानी कार्यों पर नकेल कसा जा सके। अगर कार्यकारिता विधायक विधायिका को पूरा छोड़ दिया जाए तो ये लोग उनके अधिकारों का हनन करेगी और मनमाना कानून बनाएगी और मनमाना कानून क्या करेगी लागू। लेकिन ये भी एक समस्या है कि जब सरकार शक्तिशाली रहती है तो न्यायपालिका थोड़ा सुस्त पड़ जाती है, जैसे इस समय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट
बहुत कम निर्णय ऐसे आए हैं जो सरकार के अगेंस्ट है। ये दुख की बात है कि लोगों के अधिकारों की रक्षा तभी होगी जब सरकार अगर कोई भी मनमाना कानून बनाए तो न्यायपालिका हमारे अधिकारों की क्या करे रक्षा। लेकिन इस समय कम हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं, वो तो आगे कल बताया जाएगा मूल अधिकार। तो जुडिशियल रिव्यू कहाँ से उत्पन्न होता है आपका पूछा जाए अनुच्छेद के। जुडिशियल रिव्यू है कि किसी कानून की वैधता के क्या करता है, भारत में कौन कर सकता है, केवल दो न्यायालय कौन कौन, हाई कोर्ट और सुप्रीम। हाई कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत ये न्यायालय का दो बार 2, 6 और सुप्रीम कोर्ट 30 ऐसा याद है। अनुच्छेद 137 है, अनुच्छेद 137 में भी रिव्यू है लेकिन जुडिशियल रिव्यू नहीं। यहाँ जो रिव्यू है वह ये है कि उच्चतम न्यायालय अपने द्वारा किए गए निर्णय का आपका पुनर्विलोकन कर सकता है, अर्थात उच्चतम न्यायालय ने किसी बिंदु पर फैसला सुनाया तो ऐसी दशा में उच्चतम न्यायालय उस फैसले पर पुनर्विचार कर सकता है। यानी कि अनुच्छेद 137 जुडिशियल रिव्यू नहीं है बल्कि उच्चतम न्यायालय अपने द्वारा दिए गए निर्णय पर एक बार पुनः क्या करता है विचार कि हमने जो निर्णय दिया है वह सही दिया है। ठीक है, तो कंसेप्ट आपका बना लीजिए, ये सब धाराएं बाद में चलेंगी, पहले संविधान निपटा दिया जाए 137। अब तो 13 और 37 में अंतर याद आ जाएगा, जुडिशियल रिव्यू कहाँ है 13 और केवल रिव्यू पूछे तो कहाँ है 137। अब न्यायालय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय का पुनर्विलोकन 107, दोनों में अंतर है भाई। अब 13 में कानून सही है कि गलत इस बात की जांच की जाती है, जबकि अनुच्छेद 137 में उच्चतम न्यायालय ने जो फैसला दिया है उसमें कोई त्रुटि तो नहीं है, इस पर पुनर्विचार कौन करता है, उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय एक देखिए आपका एक मामला कोई लाया जाए निर्भया कांड लाया गया, निर्भया कांड के मामले में पहली बार अपील सुप्रीम कोर्ट में की गई और सुप्रीम कोर्ट ने ये माना ये मेरे का रेयर मामला है और मृतदंड को बरकरार है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कौन सी बात फैसला सुना दिया, अनुच्छेद 137 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट उसी मामले पर पुनर्विचार कर सकता है और बौद्धिक बात निर्णय सुना सकता है। दूसरी बात इसी को अपने निर्णय का नजरसानी रिव्यू या पुनर्विलोकन कहा जाता है। भाई बैठता नहीं अपने निर्णय पर क्या करिए पुनर्विचार। अब ये समस्या था कि सुप्रीम कोर्ट कौन सी बार निर्णय अब सुना दिया उसी बिंदु पर दूसरी। अब समस्या ये थी कि क्या इसके बाद भी कोई प्रावधान है, तो एक अनुच्छेद और छूटा है वो भी पढ़ना है, अनुच्छेद कौन सा 142। अब सुप्रीम कोर्ट एक मामले में तीसरी बार और निर्णय सुनाया, तो आपका वकीलों ने पूछा कि तीसरी बार कहाँ निर्णय सुना रहे हैं आप विचार करके, अनुच्छेद 137 में तो केवल पुनर्विलोकन है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम न्याय की हत्या को रोकने के लिए चौथी बार अपने निर्णय पर विचार कर सकते हैं तीसरी बार, और तीसरी बार में भी अपना निर्णय हम क्या कर सकते हैं रख सकते हैं। केस याद रखिएगा 142 में डिटेल में हम बताएंगे अशोक बुर्रा वर्सेस अशोक रूपा बुर्रा यूरेटिक डिसीजन, डिटेल में 142 में चलेगा। आइए अब बेरेक्स बताया जाए आपका, बेरेक्स देखिए मैं 137 पाले हम छेद आपका बताया जाता हुआ निर्णयों या आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन। तो पुनर्विलोकन तो जानते हैं क्या होता है,
अपने निर्णय या आदेश पर पुनर्विचार करना, विचार ये कहिए क्या करना, फिर से विचार करना। देखिए मेरिट होता है, संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के या अनुच्छेद 145 के अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के वकील रहे। तो ये नहीं पूछा था, इसमें बनता है कि उच्चतम न्यायालय अपने द्वारा दिए गए निर्णय और आदेशों का पुनर्विलोकन कर सकता है। अब देखिए कैसे आपका क्वेश्चन बना है। संसद द्वारा बनाई गई विधि के अधीन रहते हुए पहला, दूसरा अनुच्छेद 145 के तहत बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए, तीसरा ऑप्शन संसद द्वारा बनाई गई विधि के अधीन रहते हुए या अनुच्छेद 145 के तहत बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए, और चौथा ऑप्शन इसमें से कोई। एकदम हूबहू आईएएस में ऐसे ही मॉडल बनते हैं, तो बताइए कौन ऑप्शन सही रहेगा। तब आप बेरक भी काम करेगा, कौन ऑप्शन इसमें सही रहेगा। दोनों इसका मतलब कि संसद ने अगर कोई कानून बनाया है तो उस कानून के अधीन रहते हुए सबार्डिनेट रहते हुए सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 137 का प्रयोग करे। उसके बाद अनुच्छेद 145 से वहां भी अच्छा क्वेश्चन बनता है। अनुच्छेद 145 के तहत उच्चतम न्यायालय रूल बनाता है, नियम बनाता है, और उन नियमों के अधीन रहते हुए ही अनुच्छेद 137 काम करे। दोनों के अधीन आ गए गए के नहीं, किसके दोनों। अगला सब देखिए, उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश का पुनर्विलोकन करने की शक्ति होगी। यानी कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्णय दिया है, जजमेंट दिया है, उसका भी रिव्यू वह कर सकता है, और कोई ऑर्डर पारित किया है सुप्रीम कोर्ट, उसका भी रिव्यू कर सकता है। तो निर्णय का भी रिव्यू और किसका आदेश। अगला देखिए दूसरा, यदि संसद दूसरी बार उसी पर निर्णय सुनाया अनुच्छेद 137 के तहत क्या करके पुनर्विलोकन, ये दूसरा प्रकार निर्णय। तीसरी, आवश्यकता पड़ने पर घोर अन्याय होने पर सुप्रीम कोर्ट तीसरी बार भी निर्णय सुना सकता है, और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा निर्णय अशोक दुर्रा वर्से अशोक रूपा दुर्रा के बाद में दिया। और ये जो यानी कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपने निर्णय के पुनर्विलोकन का पुनर्विलोकन, सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपने निर्णय के रिव्यू का क्या करना, रिव्यू यानी कि बार निर्णय सुना सकता है। तीसरी बार 21 केस में आया तो अशोक बुर्रा पर से अशोक रूपा बुर्रा, और पिछली बार यूपीए में और बिहार में पूछा गया तो हो सकता है। जब देखिए इंग्लिश वर्जन दो याद रखिएगा, क्यूरेटिव पिटीशन या रिफॉर्मेटिव पिटीशन। इंग्लिश वर्जन दो ही याद रखिए, उसको अलग लिख लीजिए, क्यूरेटिव पिटीशन या रिफॉर्मेटिव पिटीशन। इंग्लिश में दोनों याद रखिए, हिंदी में क्या कुमार से कोई भरोसा नहीं। क्यूरेटिव पिटीशन या रिफॉर्मेटिव पिटीशन, इस हो गया। इसको हिंदी में कहते हैं उपचारात्मक याचिका, जो यूपी का मॉडल है। यूपी ने क्या बनाया, उपचारात्मक, बिहार में उपचारात्मक नहीं लिखा, दोषहारी याचिका।
फिर यूपी में पिछली बार मनाया सुधारात्मक याद कर सुधारात्मक चार पांच नाम लिखे सुधारात्मक याद कर निरोगात्मक लिखे आप लिख सकते निरोगात्मक याद कर हिंदी में लिखना तो लिखे इंग्लिश में तो दो ही है आरोग्यकारी याचिका आरोग्यकारी याचिका वो शारीरिक बात है ना दोष को दूर करने वाली याचिका कि जितना भूत प्रेत है सबको क्या किया जाए भगा दिया हाँ गया दे जाए गया से कुछ सही कर रहे गया से तो बहुत डर रहे हैं आपका दूध भेज वाले हैं वो सब गया जाकर और वही आपका क्या करें सिर्फ नदी में डूबे और सारे पापों को धो कर प्यासा भी जाते हैं क्यों मिल भाई अभी सारे पाप धो लीजिएगा नदी में जरूर स्नान कर लीजिएगा क्या आपने बताया जो भाई इस पाप का इसको हम 6142 में डिटेल में चले गए हैं कि क्यूरेटिव कंडीशन हो गई सब अभी हम 6137 पर हम लोग हैं हम 6137 के साथ आपका यूपीसी और सीबीसी में क्वेश्चन बन गए अभी आपका यूपी एपीओ और यूपी एमपी पिछली बार उत्तराखंड हर एक जगह की क्वेश्चन आया है बिहार में भी पूरा चांस है ये पूछा गया था देखिए अब दूसरा काम देखिए पोर्ट्रेट करते हैं आपराधिक मामलों में यानी कि क्रिमिनल मामलों में किसका प्रावधान है पहला दिया अपील का है नहीं अभी हमने कुछ बताया दूसरा रिफरेंस यानी कि निर्देश का वो भी है तीसरा रिवीजन यानी कि पुनरीक्षण वो भी है लेकिन पुनर्विलोकन या रिव्यू का प्रावधान क्रिमिनल मामलों में नहीं दूसरा क्वेश्चन बनता है कि कौन सी धारा आपराधिक मामलों के पुनर्विलोकन पर रोक लगाती है तो कम से कम सीआरपीसी की वह धारा कौन याद रखनी है 300 यही आपको वर्तमान क्वेश्चन है कौन सी धारा आपराधिक मामलों के रिव्यू पर रोक लगाती है सीआरपीसी की तो कौन सी धारा मारेंगे 362 सीआरपीसी देखिए परिस्थिति जब आपराधिक न्यायालय एक बार निर्णय सुना दिया और उस निर्णय पर साइन हो जाता है तो ऐसी दशा में अब वह न्यायालय जिसने जजमेंट सुनाया है उस क्रिमिनल मामले में जजमेंट में कोई परिवर्तन यानी कि कोई अमेंडमेंट या कोई चेंजिंग नहीं कर सकता लेकिन दो चेंजिंग हो सकती है एक मैथमेटिकल त्रुटि यानी कि गणितीय त्रुटि और दूसरा कलर्कियल यानी कि आपका कलर्कियल का मतलब हुआ लीप की तो कौन त्रुटि सुधारी जा सकती है दो कौन मैथमेटिकल और कौन लीप यानी कि कलर्कियल और निर्णय बदला नहीं जा सकता यानी कि एक बार अगर मृत्युदंड कोर्ट ऑब्जेक्शन दे दिया अब ये नहीं दोबारा विचार कर रहे हैं अपील में भले उलट जाए लेकिन वह न्यायालय उस मामले पर पुनर्विचार अभी आया कि क्या हाई कोर्ट में भी ये नियम लागू है क्या हाई कोर्ट सीआरपीसी 482 के तहत नियम लागू है हाई कोर्ट भी नहीं कर सकता लेकिन सुप्रीम कोर्ट कर सकता है सीआरपीसी के तहत नहीं बल्कि संविधान के 21 अनुच्छेद के तहत 160 एक लाइन और ये जो संविधान का अनुच्छेद 137 है ये क्रिमिनल में भी लागू होता है और सिविल में यानी कि उच्चतम न्यायालय को ये शक्ति प्राप्त है कि वह सिविल और क्रिमिनल दोनों मामलों में अपने द्वारा दिए गए निर्णय पर पुनर्विचार कर सके पुनर्विचार में रिव्यू कर सके याद रखिए हो सकता है टेक्निकल पूछ के कई लोग क्रम में आ जाएंगे सीआरपीसी के कारण उच्चतम न्यायालय सीआरपीसी से नहीं किससे गवर्न होगा संविधान किस अनुच्छेद में 107 लिख लीजिए
क्रिमिनल मामले का रिव्यू कि सिविल की दोनों मामलों का, तो उच्चतम न्यायालय दोनों का कर सकता है। किस अनुच्छेद के तहत? 137। अलग से इसको लिखे फिर गलत हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 137 के तहत सिविल और क्रिमिनल दोनों मामलों का रिव्यू कर सकता है। सिविल तथा क्रिमिनल दोनों मामलों का रिव्यू कर सकता है, ये आपको अच्छे से तैयार। अब आइए सिविल मामला, क्रिमिनल पढ़ लिया 312, सिविल मामला। अब सिविल मामला में नया क्वेश्चन बनाइए कि सीपीसी के तहत किसका प्रावधान है, देने का रिव्यू का, रिवीजन का, रिफरेंस का, यानी कि पुनर्विलोकन, पुनरीक्षण, निर्देश, उपायुक्त सब। तो सीपीसी में सबका प्रावधान है, चारों का प्रावधान है, चारों याद रखें, निर्देश क्या भी बताया जाएगा, निर्देश का भी, पुनरीक्षण का भी, पुनर्विलोकन का भी, अपील का। सिविल मामलों में चारों प्रावधान, लेकिन क्रिमिनल में केवल कितना, तीन, और एक नहीं है कौन सा, पुनर्विलोकन। ये मैं बताऊँ लगातार क्वेश्चन इस पर यूपीएफपीओ यूपीजे एमपीजे उत्तराखंड जे सब जगह पिछली बार पूछा गया कि आप ये हो सकता है एक क्वेश्चन सीआरपीसी में बना है, हो सकता है। अब आपका सीपीसी में रिव्यू हो सकता है, इसके लिए बस हम धारा बताएंगे डिटेल में। रिव्यू के बारे में सार्वान प्रावधान सीपीसी की धारा 114 में, तो सीपीसी की कौन सी धारा, 114। रिव्यू के लिए क्या प्रोसीजर होगा, सीपीसी के आदेश 47 में प्रोसीजर बताया गया है, यानी कि प्रक्रिया, और 152 इसलिए बताया गया कि गणती और कौन सी त्रुटि सुधारी जा सकती है, सीपीसी में कौन सी धारा 152 और रिव्यू न्यायालय कर सकते हैं, ये कहां से उत्पन्न होता है, तो सीपीसी के आदेश 20 के नियम 3 से। उसके इतना ही चीजें, तो बस भाई घर पर भी कुछ पढ़ना पड़ेगा, बहुत देर सुनना नहीं कर सकते, पूरा प्रावधान बताया, बहुत लंबा चलेगा। इस प्रकार अनुच्छेद 137 भी समाप्त हो गई। अब आइए अनुच्छेद 140 देखिए, तो चलेगा छोटे छोटे अनुच्छेद देखिए। 138 उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में वृद्धि, देखिए हमेशा याद रखिए, कहीं भी अगर पूछे, आईएएस में भी क्वेश्चन आ चुका है, उच्चतम न्यायालय की जुरिडिक्शन संसदविद बनाकर वृद्धि कर सकती है, संसदविद बनाकर कमी कर सकती है, दोनों इनमें से कोई, बताइए कौन सही है। हमेशा याद रखिए उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में कमी करने का पावर किसी को नहीं, अगर अगर संसद विध बनाकर भी प्रयास करे तो उच्चतम न्यायालय का जुरिडिक्शन क्या किया जाए, कम किया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट रगड़ देगा और उस कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर देगा, क्योंकि अनुच्छेद 138 लिखता है कि अधिकारिता में आप वृद्धि करिए, लेकिन कमी करने का कोई आपको हक संसद नहीं कर सकती। इसी प्रकार उच्चतम न्यायालय में जाने से भी नहीं रोका जाएगा। एक दिन मैं उदाहरण करेंट बताया था, फिर मैं बताया कि अर्णब गोस्वामी के मामले में आपने देखा कि विधानसभा के सचिव ने अर्णब गोस्वामी को चिट्ठी लिखी और धमकी दी, धमकी सुप्रीम कोर्ट में जाने से रोकने के लिए दिया, सुप्रीम कोर्ट काफी नाराज हुआ कि आर्टिकल 32 स्वयं में फंडामेंटल राइट है और आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में आने पर आप धमकी देंगे, ये तो शुद्ध रूप से इंटर अवमानना हुई, क्यों ना आपको अपराध
अवमानना के लिए दंडित किया जाए, सचिव को अयोग्य की जा रही होगी, क्या ये जवाब लगाए? लेकर बाकी किए हैं तो क्यों आपको कंटेक्ट के लिए दंडित करें? भाई आपका राजनीतिक मामला है, वो अलग बात है, लेकिन